अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सेहतमंद सैटरडे। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे, उसकी टाइप्स, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट पर। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिपेशन होती क्या है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको 3 से कम बाउल मूवमेंट्स होते हैं पर वीक, या फिर उसके अलावा आपकी जो स्टूल्स होते हैं वो हार्ड ड्राई होते हैं, या फिर कभी कभी आपको उसको पास करने में मुश्किल होती है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन 2 तरह की हो सकती है, एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट यानी सडन, और इसके अलावा वो कुछ कम अरसे के लिए होती है। और जो क्रॉनिक होती है, क्रॉनिक टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लास्ट करती है, इवन ईयर्स। अब हमें कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसकी वजूहात क्या है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। तो वजह एक ये होती है कि जब आपका स्टूल होता है वो आपके कॉलन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में ज़्यादा टाइम रहता है, तो उसकी वजह से जो कॉलन है वो उससे स्टूल से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है, तो उसको आगे पास होने में डिफ़िकल्टी होती है, तो एक ये कॉज हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें होती क्यों हैं, उसके भी कुछ आगे कॉजेज हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज में से सबसे पहला कॉज है डाइट लो इन फाइबर। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कॉन्स्टिपेशन का यही है कि आपकी डाइट में फाइबर नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। फाइबर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपके स्टूल को सॉफ्ट रखता है, लेकिन अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं होगा तो आपका स्टूल जो है सख्त होकर ड्राई होगा और वो आगे कॉलन से आगे पास नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। दूसरा कॉज है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कॉन्स्टिपेशन उन लोगों को हो सकती है जो लोग वैसे ही थोड़े से सुस्त होते हैं, थोड़े से इनएक्टिव होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते फिजिकल एक्टिविटी, या फिर वो लोग जो जिनको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी बीमारी की वजह से वो एक्टिविटी कोई नहीं होती उनकी, तो उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ मेडिसिंस ऐसी होती हैं जो आपको कॉन्स्टिपेटेड कर देती हैं, यानी कुछ जैसे कि पेन रिलीवर्स होते हैं, पेन किलर्स वगैरह होते हैं, या एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, या कुछ आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कुछ लैक्सेटिव्स होते हैं, उनकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, क्योंकि जो लैक्सेटिव होते हैं वो आपके स्टूल्स को लूज करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेंगे या फिर काफ़ी अरसे तक लेंगे तो इससे क्या होगा कि कॉलन की जो नेचुरल एबिलिटी होगी कॉन्ट्रैक्ट करने की वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लाइफ चेंजेस या डेली रूटीन चेंजेस की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि आप जो है हार्मोनल चेंजेस होती हैं, या फिर जो है यूट्रस का जो है वजन आता है आपके इंटेस्टाइन पर, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा एजिंग की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसके अलावा लोगों को ट्रैवलिंग की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि उनकी डेली रूटीन की और जो नॉर्मल डाइट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लास्ट कॉज है कॉन्स्टिपेशन का कि इग्नोरिंग द अर्ज टू हैव बाउल मूवमेंट, यानी जब आपको बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है लेकिन आप कहते हैं कि अभी फिलहाल मैं नहीं जा रहा, मुझे कुछ काम है, या फिर आप घर के अलावा किसी और जगह बाथरूम नहीं यूज करना चाहते तो आप इग्नोर करते हैं अपने बाथरूम जाने को, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अब आते हैं कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स की तरफ, कि सबसे पहला सिम्टम है पासिंग फ्यूअर देन 3 स्टूल्स अ वीक, उसके अलावा हैविंग लंपी और हार्ड स्टूल्स, फीलिंग एज दो देयर इज अ ब्लॉकेज इन योर रेक्टम दैट प्रिवेंट्स बाउल मूवमेंट। रेक्टम जो है वो भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कॉलन के बाद। कॉन्स्टिपेशन की टाइप्स हो गई, कॉजेज हो गए, सिम्टम्स हो गए। अब आते हैं उसकी ट्रीटमेंट की तरफ, कि उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाई फाइबरस डाइट, कि आपको अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर लेना है ताकि आप कॉन्स्टिपेशन से निजात पा सकें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि रेजिन्स यानी किशमिश जो है वो रिच इन फाइबर है, वो आप वो एज अ लैक्सेटिव एज अ नेचुरल लैक्सेटिव आप उनको ले सकते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या करना है आपको कि एक हैंडफुल आपने लेना है किशमिश, उसको आपने पानी में सोक करना है और फिर सुबह उठकर उसको लेना है निहार मुंह, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन से गायब हो जाएगी। इसी तरह से गवावा जो है अमरूद वो बेस्ट होता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा लेमन जूस को आप वार्म वाटर में डालें और उसको पी लें तो भी आपकी अच्छी खासी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। इसके अलावा खजूर हो सकती है, इंजीर आप यूज़ कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, स्पिनच यानी जो कोई
पालक यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ, कॉन्स्टिपेशन खत्म करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए आप जो है अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, एक तो उनको चाहिए कि जब भी उनको बाथरूम जाने की जरूरत पड़े तो वो इग्नोर ना करें और जरूर जाएं, और दूसरी बात कि एक स्पेसिफिक टाइम रख लें जिसमें वो खामखाम जरूर जाएं बाथरूम। इसके अलावा कुछ डाइटरी टिप्स हैं जो आप यूज करके आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो वाइट फ्लोर है या वाइट शुगर है या और कोई दूसरे प्रोसेस्ड फूड्स है उनको ना लें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर आपको है तो नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी, और अगर है नहीं है तो आपको होगी नहीं। इसके अलावा आप अपने मील्स जो है लाइट रखें और सोने से पहले 3 से 4 घंटे पहले खाना खाएं, और अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट रखें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, सब्सक्राइब टू योर चैनल बाय टर्निंग द रेड सब्सक्राइब बटन ब्लैक, क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं और कौन से टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं। और इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे पहले चैनल नाज आर्ट गालो को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।